अगर आपने कोविशील्ड ली है, वो TTS का साइड इफेक्ट बहुत रेयर है, होना होता तो 3 साल पहले होता। नौजवानों के हार्ट अटैक है, वो भी क्लॉट है, लेकिन उसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये सब तो बोल दिया, सबसे अहम चीज़ बोलना भूल गया। अभी कुछ दिनों बाद इंडिया में लहर आने वाली है, वो कहेंगे आपने कोविशील्ड ली थी ना, तो आपका क्लॉटिंग का रिस्क क्या है वो देखने के लिए टेस्ट करते हैं। डी डाइमर, CRP, HRCT, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आप अपने डॉक्टर के साथ भी बात कर लो, लेकिन हमारे साइंस में ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्या होता है ना, डी डाइमर जैसे टेस्ट बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो काफ़ी लोगों में इन्फ्लेमेशन की वजह से वो लेवल थोड़ा हाई आ सकता है। अगर डी डाइमर हाई आ गया तो कहेंगे फिर डॉपलर करो, फिर HRCT करो, उसमें कुछ निकलेगा, फिर उसमें सुई डालो, फिर क्लिनिक ढूंढो, डॉक्टर ढूंढो, रस्सी ढूंढो, पेड़ ढूंढो, और फिर लटके रहो। वो हाफ टिकट मूवी में किशोर कुमार का डायलॉग था ना, चाचा जी तुम कूदो मैं लटका रहता हूँ। देखो, मॉडर्न मेडिसिन में हम लोगों का गैंग है, और हमारे साथ आप पंगा मत ले लो। अगर आपकी औकात रामलाल की है ना, तो आप सिर्फ चाबी लाओ तिजोरी की, आप पूरी तिजोरी लेके हमारे अड्डे पे आके हमको मत पूछो कि कितने आदमी थे, हम तिजोरी भी साफ कर लेंगे और आपको ठोक भी लेंगे। आप कहते हो क्या बेहुदा बात कर रहे हो डॉक्टर, अभी इसका मतलब ये है कि बीमार होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाने का, स्क्रीनिंग टेस्ट करने का नहीं, कुछ प्रिवेंटिव टेस्टिंग? अरे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचो, अगर आप ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो कि ऐसा एक हस्बैंड है जो अच्छा है और बीबी मानती है कि वो अच्छा है, करोड़ों ढूंढो एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा ढूंढ रहे हो कि हस्बैंड बुरा है और बीबी मानती है कि बुरा है, करोड़ों मिल जाएंगे। तो ऐसा चीज़ को ढूंढ के फ़ायदा क्या है? ऐसी चीज़ ढूंढो जो ना तो बहुत कॉमन हो ना तो बहुत अनकॉमन हो। फिर आपको ढूंढना है एक मोहल्ले में कि अकल के दुश्मन कितने हैं। आपने ढूंढ लिया और 5 मिल गए, 5ों के 5 साले मीडिया के निकले, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो आप कहोगे इनका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। अरे ट्रीटमेंट कुछ नहीं है तो फिर ढूंढा क्यों? क्या होता है ना, इस स्क्रीनिंग टेस्ट में मानो एक एन्यूरिज्म ढूंढ रहे हैं ब्रेन का, 3 लाख लोगों में किया तो एक मिल गया, तो एक आदमी को बचाने के लिए 3 लाख लोगों को क्या डाई का रिस्क देने का, रीनल फेल्यूर हो सकता है, ये सब सोच के करना पड़ता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के कुछ तौर तरीके होती है, कुछ सोच होती है, कुछ तहजीब होती है। अमेरिका में बड़े बड़े डॉक्टर सालों सोच के, उसका नेशनल पैनल होता है, वो रेकमेंड करते हैं कि आवाम का फ़ायदा किस में है। अपने यहाँ क्या होता है, अगर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करना है तो 800 रुपये का काम है, 500 रुपये में कंपनी खोल दी, 200 रुपये की एक ब्रीफ केस ले ली, 100 रुपये का टाइ चले मुंगेरीलाल बेचने, एग्जीक्यूटिव पैकेजेस। आप इस लफड़े में मत पड़ो, अभी सब मस्त चल रहा है, मस्त रहो। बोए गुल नालाए दिल दूध चिरागे महफिल, जो भी तेरी बज्म से निकला सो परेशान निकला। मैं कह रहा हूँ अगर परेशान हो रहे हो तो बज्म से निकल क्यों रहे हो, उधर ही रहो, आराम करो, मस्त रहो। अभी ये कुछ न्यूज़ वूज़ देखो ही मत आप डॉक्टर रवि गोडसे से।